साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे स्पेन से रिलेटेड। स्पेन की मैं इसलिए बातें कर रहा हूं कि इतनी ज़्यादा सबसे हाई हिट लेवल पे स्पेन कंट्री अभी चल रहा है, उसके बावजूद भी वहां की गवर्नमेंट ने कुछ आश्चर्यजनक फैसले लिए, इससे रिलेटेड मैं आगे आपसे बात करूंगा। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ज़रूर दबा लें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही जानकारी, मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं साथियों स्पेन से रिलेटेड। तो स्पेन की स्थिति फिलहाल की कंडीशन में क्या है, अगर अप्रैल की डेट में देखा जाए तो लगभग 172,000 समथिंग के करीब पॉजिटिव वहां पे अभी तक संक्रमित कोरोना वायरस की वजह से अभी तक पहुंच चुके हैं, जिसमें से लगभग 18,000 से प्लस डेथ अभी तक कोरोना की वजह से लोग मर चुके हैं। 18,000 से ज़्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं, जिसमें से 67,000 प्लस लोग अभी रिकवर भी हो चुके हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि स्पेन अभी दुनिया की सबसे हिट कंट्री है, जहाँ पे ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा संक्रमित या मौत के मामले में, फिर भी वहाँ की गवर्नमेंट ने लॉकडाउन आंशिक रूप से खोल दिया गया है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, फैक्ट्री के काम अभी स्टार्ट हो जाएंगे स्पेन में। आज की डेट की बात कर रहा हूँ, ताज़ा रिपोर्ट मेरे मोबाइल पे है, आप लोगों के साथ में पढ़ के इस बातों को शेयर करूँगा कि यार कैसे कर सकती है वहाँ की गवर्नमेंट। यानी इतने लाखों में लोग पहुँच गए, हज़ारों में लोग मर रहे हैं, अभी भी कम नहीं हो रहे हैं, फिर भी वहाँ की गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया। इसका एक मजबूरी होती है साथियों, मजबूरी ये होती है कि अगर लंबे समय तक लॉकडाउन रहे तो फिर भूखमरी की स्थिति हो जाती है, लोग खाएंगे क्या, काम नहीं करेंगे, फिर इकोनॉमी बंद हो जाएगी, पैसा इधर उधर से आना तो मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से कुछ आंशिक तौर से बहुत कुछ सीमित मात्रा में धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलना मजबूरी हो जाती है, चाहे कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हुआ हो या नहीं हुआ हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्पेन से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूँगा। साथियों आज की जो रिपोर्ट है, कोरोना संक्रमितों में दुनिया में दूसरे नंबर पर है स्पेन, फर्स्ट नंबर पे अभी अमेरिका चल रहा है। नए मामले और मौतें दोनों घट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि नए मामले भी कम हो रहे हैं और मौत भी अभी कम हो रही है। स्पेन में सोमवार को लॉकडाउन आंशिक रूप से खोल दिया गया है। कंस्ट्रक्शन, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, कुछ सेवा क्षेत्रों में लोग सख्त सुरक्षा उपायों के साथ काम पर पहुंचे, यानी कुछ सख्ताई के साथ, पूरी मतलब जो भी उनका बचाव के साधन होते हैं वो लेने के बाद में काम पे पहुंचे हैं। राष्ट्रीय नीति के तहत मेट्रो, बस, रेलवे स्टेशनों पर फेस मास्क बांटे गए। हालांकि स्टेशनों पर सामान्य की तुलना में भीड़ बहुत कम थी। 25 अप्रैल तक लागू रहेगा लॉकडाउन, इस दौरान बार दुकानें, सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। अब तक यहाँ पे लगभग 172,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, 18,000 से प्लस इनसे मौत हो चुकी है। हालांकि बीते कुछ दिनों में मौतों के नए मामले की संख्या घटी है, कुछ अस्पतालों में आईसीयू में जगह दिखने लगी। तो साथियों स्पेन में आंशिक रूप से लॉकडाउन खोला गया है, जिसमें खास तौर से मान लीजिए मेट्रो, बसें, रेलवे ये तो सब बंद हैं। सार्वजनिक जो स्थान हैं, जैसे बार हो गए, होटल वगैरह, स्कूलें वगैरह, ये बंद हैं। जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे सामान सबसे उत्पादन होता है, मैन्युफैक्चरिंग मान लीजिए, कंस्ट्रक्शन का काम मान लीजिए, या इंपॉर्टेंट जो सेवा क्षेत्र है वहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है ज़रूरी संसाधनों के साथ, यानी मास्क वगैरह, सैनिटाइज वगैरह जो भी वहाँ की गवर्नमेंट जो लोगों को देती है, प्रोवाइड करवाती है, उनके साथ धीरे धीरे ये काम स्टार्ट हो रहा है, जिसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। अभी वहाँ पर संक्रमितों की संख्या भी धीरे धीरे घट रही है, अस्पतालों में केस भी कम आ रहे हैं, मरने वालों की संख्या में भी अभी कमी आई है, नहीं कम हो रहा है, तो अच्छी बात है। ये अस्पतालों में भी वहाँ पे जगह दिखने लगी है। आज की जो रिपोर्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, स्पेन में धीरे धीरे कमी आ रही है, अच्छी बात है। फिर भी माइनस पॉइंट ये मैं मेरे हिसाब से बता दूँ कि स्पेन ने लॉकडाउन ओपन कर दिया, यानी स्पेन दुनिया में दूसरे नंबर पर चल रहा है कोरोना संक्रमित में, फिर भी लॉकडाउन करना मुझे नहीं लगता कि अप्रैल से पहले करना चाहिए था, लेकिन फिर भी ज़रूरी हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ नए कदम उठाए होंगे, या गवर्नमेंट की मजबूरियां होती होंगी, वहां के लोगों की मजबूरियां होती होंगी, तो वहां पे लॉकडाउन स्टार्ट अभी पूरा बंद नहीं हुआ है, लेकिन आंशिक रूप से वहां पे काम धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया गया है। तो साथियों स्पेन से रिलेटेड मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज आपको अच्छी अच्छी जानकारी विदेश से रिलेटेड मिलती रहे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से। अगर आपके पास भी कोई किसी कंट्री से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि वो जानकारी मैं लोगों के पास वीडियो के माध्यम से पहुँचा सकूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।